आज आपके सामने लेके आ रही हूँ कि हम निराशा को आशा में कैसे बदल सकते हैं। जब इंसान को दुख घेरता है तो वो कैसे उस समय अपने आप को स्थिर करे कि वो उस दुख के ऊपर विजय पाले। हालांकि बहुत सी परिस्थितियों में ये असंभव सा लगता है, पर हम करना चाहें तो कोई भी चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं है जो हम ना कर पाएं। तो सुख दुख तो ज़िंदगी के हिस्से की तरह हैं। अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख आया है तो ऐसा नहीं है कि सुख नहीं आएगा। हमें महसूस क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा दुख वाला टाइम है वो हमें लंबा लगने लगता है। सुख वाला टाइम कब आया, कब आके चला गया, वो हमें महसूस ही नहीं होता। दुख क्योंकि एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण उसमें काटना हमें मुश्किल हो जाता है कि कैसे, ओहो ये बीमारी आ गई, पता नहीं कितने दिन में जाएगी, ये पैसे की प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं कितने दिन में ठीक होएगी, हमारे घर में से ये ड्राइवर चला गया, ये कितने दिन में आएगा, हमारी काम वाली चली गई, ये कितने दिन में आएगी। तो हम ऐसे ही आशा और निराशा के भंवर में झूलते चले जाते हैं, और हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं कि हमें डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कभी कभी दुख ऐसे आ जाते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में से हमें अपने आप को, जब तक हम अपने आप को एक इक्वल माइंड स्टेट नहीं रखेंगे तो हम उसके ऊपर विजय नहीं पा पाएंगे। क्योंकि अगर सुख की बिसात नहीं है हम लोगों की ज़िंदगी में टिकने की, तो दुख की क्या बिसात है कि वो हमारी ज़िंदगी में टिकेगा। बरसते कि हमने अपने माइंड को, अपने दिल को, अपने दिमाग को इन सब चीज़ों के लिए राज़ी कर लिया हो कि इन सब चीज़ों से अब हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, परमात्मा ने अगर सुख दिया है तो दुख भी तो उसी का ही दिया हुआ है। या कई बार ऐसा होता है कि हमें मन से आवाज़ आती है, वो हमें कोई भी गलत काम करने से पहले आवाज़ देता है, हम उस आवाज़ को सुनते नहीं हैं, और जब हम नहीं सुनते तो हमारी ज़िंदगी में दुख जो है हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसे कहते हैं सेल्फ क्रिएटेड। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे कर्मास को लेकर हमारे कुछ जो दुख हैं लिखे हुए होते हैं, जिन्हें हमें झेलना ही पड़ता है। इसे जब हम कहते हैं नियति का खेल, समय चक्र, कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय का पहिया है, ये घूमेगा तो कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। तो कभी कभी जब हमारी खुशियाँ आती हैं तो हम लोग कितने खुश हो जाते हैं, उस खुशी के उसमें हम लोग किसी को देखते नहीं हैं, अपने ही अहंकार में, अपने ही मद में, अपनी ही मस्ती में झूमे चले जाते हैं। हम कहते हैं अगर हमारा अच्छा हुआ तो वो हमने किया, और अगर हमारा कुछ ज़िंदगी में बुरा हो गया तो हम परमात्मा को दोष देने लगते हैं, हमने तेरा ऐसा क्या बुरा कर दिया कि तूने हमें इस दुख तकलीफ में डाल दिया। तो फिर वही बात आती है कि हमें सुख और दुख में कैसे अपने आप को एक जैसे इक्वल परिस्थितियों में हमें झेलना आ जाए, कि हमें सुख में अपने आप को इतना ज़्यादा हम प्रसन्न ना हो जाएं कि हम आसपास हो रही होने वाली घटनाओं से या आसपास किसी और का दुख है तो हम उसको ना देख पाएं, अपने ही खुशी में इतने व्यस्त रहें कि किसी और का कुछ महसूस ही ना कर पाएं। और जब दुख आता है तो हमें ये लगता है कि हमें सामने वाला इंसान हमें पूछ क्यों नहीं रहा, मेरा दुख है तो ये इसका भी क्यों नहीं है, वो कैसे होगा ना, क्योंकि वो दुख तो आपका है। जब दुख आपका है तो झेलना भी आपको है, उसको समझना भी आपको है, उस दुख में से निकलना भी आपको है। कोई आपको ये आके नहीं बताएगा कि इस दुख में से आप कब निकलोगे, कैसे निकलोगे, क्योंकि ज़िंदगी तो इंसान की भगवान ने बनाई है। तो अगर दुख तकलीफ हमारी ज़िंदगी में आया है तो उसे निकलना तो हमें ही पड़ेगा। और जब हमें कोई ऐसा दुख मिल रहा है कि पता है इस दुख से निकलने का कोई उपाय नहीं है, और ये दुख हमारे साथ एक परमानेंटली ऐड हो गया, सपोज़ हमारे किसी प्रियजन की मौत हो गई, अब वो वापस तो आएगा नहीं, तो हम उस परिस्थिति में से कैसे निकल पाएंगे। वो निकल पाना, हम जितनी जल्दी निकल पाएंगे, जितनी जल्दी उस परिस्थिति को रियलाइज़ कर लेंगे, उतनी जल्दी हम उस दुख में से बाहर आ पाएंगे। कभी कभी कोई व्यापार में घाटा हो जाता है, लगता है हम लोग तो पहले तो इतने अच्छे से रह रहे थे, अब ये घाटा हो गया तो अब हमें ये चीज़ पे कट लगाना पड़ेगा, वो चीज़ पे कट लगाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हमें उन परिस्थितियों में भी अपने आप को लेवल्ड अप रखना है कि नहीं,
कोई बात नहीं कि जब हमारे पास सब कुछ था तब भी तो हम अच्छे से चल रहे थे, अब अगर आज नहीं है, कोई कमी है हमारी जिंदगी में, तो हम उसको भी देख के तरीके से हैंडल करके चल सकते हैं, टिका सकते हैं, क्योंकि जब दुख आता है तो वो अपने साथ और बड़ी सारी परेशानियां लेके आता है। अगर हम सारा दिन दुख में, अवसाद में, परेशानी में रहेंगे तो ना तो हम अपना परिवार देख पाएंगे, ना कोई समझदारीपूर्ण फैसले ले पाएंगे, और दुख की घड़ी में जो हमें हमारे सामने से चीज़ें या कोई रास्ते खुलते नज़र आएंगे, अगर हम दुख में डूबे रहेंगे तो हमें वो भी नज़र आने बंद हो जाएंगे। इसलिए हमें दुख में से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना चाहिए, मतलब निराशा में से आशा के बादल हमें ढूंढने आने चाहिए, कि अगर एक दुख हमारे पास आ गया तो क्या हम उस दुख के साथ ही चिपक के बैठे रहेंगे, या क्या जब हमारी खुशियां आती हैं तो क्या हम उन खुशियों पे ही एक बार को टिके रह जाते हैं, क्या वो खुशियां हमारे साथ परमानेंट चलती हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाती हूँ कि एक कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहां पे एक जोक को उसने एक बार सुनाया, लोग पहली बार बहुत बार हंसे, अच्छे से हंसे, दूसरी बार सुनाया थोड़ा हंसे, तीसरी बार सुनाया फिर थोड़ा और कम हुआ हंसना, चौथी बार सुनाया फिर और कम हुआ, पांचवी बार जब उसने सुनाया तो लोग इरिटेट हो गए। क्यों इरिटेट हो गए? क्योंकि हम एक ही चीज पर जब बार बार हंस नहीं सकते तो हम एक ही चीज को लेकर बार बार दुख क्यों मनाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी खुशियों को, जो खुशी आज हमें मिली हमने उसे आज एक दिन सेलिब्रेट किया और हम आगे चल पड़े और रास्ता देखने के लिए, तो हम दुख को साथ लेकर क्यों पकड़ कर बैठते हैं? वो भी तो हमारी ज़िंदगी का रास्ता है ना। अगर दुख आया, मैं मानती हूँ दुख में खड़ा होना बहुत बहुत मुश्किल है, पर अगर हम खुशियों के साथ नहीं जुड़ के बैठ सकते तो हम दुख के साथ क्यों जुड़ के बैठेंगे। हमें उन दुखों में भी अपना रास्ता निकालने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम आ गई, अब इसमें से निकला कैसे जाए। अगर हम उसी के साथ जुड़ के बैठे रहेंगे कि भैया ये तो बड़ा गलत हो गया, मेरे साथ तो ये होना ही नहीं चाहिए था, मुझे ऊपर वाले ने ये दुख क्यों दे दिया, अगर हम इसी सोच विचार में पड़े रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी के आने वाले आगे के रास्ते जो हैं वो नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए दुख और सुख में समभाव से जीना आना बड़ा ज़रूरी है, जिसके बिना हम अपनी ज़िंदगी को नहीं चला पाएंगे। जब हम वो कहते हैं ना, सुख में सिमरन, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, तो हमें उस परमात्मा का वो देखना चाहिए कि अगर हम सुख में भी उस परमात्मा को, परमपिता परमेश्वर को याद रख कर चल रहे हैं कि ये जो खुशियाँ हैं ये भी तेरी दी हुई हैं और जो दुख हैं वो भी तेरे दिए हुए हैं, अगर तूने खुशियाँ दी हैं और हम उनको अवेल कर रहे हैं, तो अगर आज हम दुख में आए हैं तो इस दुखों को काटना भी तेरी एक जिम्मेवारी बनती है, और हम इस दुख काटने में, हम भी तेरे इम्तिहान देने में खड़े हैं, तो अगर हमारे कर्मों की वजह से हमें किन्हीं चीज़ों को आज इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, तो हमें उतनी हिम्मत, उतनी सामर्थ्या दे कि हम इन सब दुखों से निकल पाएं और अपने साथ साथ दूसरे लोगों का मार्ग भी प्रशस्त कर पाएं, तभी हम अपनी जो ज़िंदगी में हैं अच्छे से चल पाएंगे, अच्छे से और लोगों को भी देख पाएंगे। अगर आज एक दुख परिवार में आ गया और परिवार के बड़े होने के नाते हम उस दुख में डूब के बैठ गए, तो हम अपने बच्चों को, अपने आसपास जुड़े, सिर्फ जहां आप जिस परिवार में रह रहे हो नहीं, आपके बहन भाई के भी सारे परिवार डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर आप एक ही सिस्टम में जुड़े रहेंगे कि भैया मुझे तो दुख आ गया, अब मैं तो इसमें से निकल नहीं सकती, जिसको आके निकालना है, जिसको आके संभालना है वो मेरा परिवार संभाल ले, तो कोई आके आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके साथ जुड़े लोग को कोई नहीं संभाल पाएगा, कोई दो दिन आके आपका दुख की बात सुनेगा, कोई चार दिन आके आपके दुख की बात सुनेगा। तो हमें परिस्थिति को रियलाइज करना है कि हम कब, कहाँ, किस चीज़ों को जल्दी से जल्दी उन परिस्थितियों में से निकल पाएं। फिर मूल मंत्र यही है कि अगर सुख हमारे पास आकर नहीं टिका तो दुख की क्या बिसात है कि वो हमारे पास टिकेगा। खुशियाँ अगर हमारे पास सारी उम्र के लिए नहीं रह सकती तो दुख हमारे पास कहाँ से सारी उम्र टिकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।